Go. Hello guys, good evening. मैं हूँ सीए विजय सार्ड और ये है recording for the purpose of May 19, November 19 revision number 1 income from other sources. याद करो बस income from other sources में तीन section है 56.1, 56.2 that is the first section, 57 and 58. तो तीन section है 56, 57, 58. 56 is the charging section, 57 deductions which are allowed, 58 deductions which are not allowed. 56.1 कहता है कि income which is not taxable in any other head will be taxable under the head of other sources. 56.2 कहता है कि income which are specifically taxable under the head of other sources. इनमें हमने सबसे पहले उठाया था casual income. याद करो casual income section 115 BB कहता है casual income include winning from lottery, crossword puzzle, horse races, gambling, betting, any game of chance, yes or no? Okay, what is taxable is winning. What is taxable is winning. Hence, any kind of expenditure is not allowed. Deduction 80C to 80U not allowed. No setoff of losses are permissible against this income. This income are directly taxable without the benefit of basic slab limits. And these income have a tax rate of 30% plus surcharge if any plus cess at the rate of 4%. Yes or no? इसके बाद हमने और दो सेक्शन देखे थे 194 बी डबल बी. जब भी ये इनकम आ रही होगी, जो भी ये इनकम दे रहा है, अगर विनिंग 10,000 से ऊपर की है तो दिस अमाउंट विल बी आफ्टर द टीडीएस. यस और नो? याद करो अगर अमाउंट हमें नेट दियो तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, ग्रॉस. कैसे किया जाता है, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट. इससे हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस. अगर प्रॉब्लम में नेट नहीं दिया है तो हम इसे क्या समझते हैं, ग्रॉस. क्लियर है जी? ओके. इसके बाद हम लोगों ने और एक पॉइंट पढ़ा था. याद करो कौन सा पॉइंट पढ़ा था, हमने गिफ्ट पढ़ा था. क्या गिफ्ट में अमेंडमेंट है मई 19 नवंबर 19 के लिए? यस. याद करो गिफ्ट के हिसाब से तीन चीजें, कैश, इमूवेबल, मूवेबल. हाँ या हाँ? फिर पहला था कैश. कैश रिसीव फ्रॉम पर्सन और पर्सन इन एग्रीगेट एक्सीडिंग रुपीज 50,000 द होल अमाउंट इज टैक्सेबल. कैश पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड पेमेंट इन कैश, बैंक ट्रांसफर और ईसीएस. यस और नो? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी का डेफिनेशन. इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले, प्रॉपर्टी इज जड़पास. व्हाट इज आई, इमूवेबल प्रॉपर्टी. एस, शेयर्स. जे, ज्वेलरी. ए, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन. डी, ड्राइंग. बी, पेंटिंग. ए, एनी वर्क ऑफ आर्ट. एंड एस, स्कल्पचर्स. राइट. इमूवेबल प्रॉपर्टी दो पार्ट थे, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इफ विदाउट कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000 होल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल. इफ विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ पे था अमेंडमेंट. इफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन एक्सीड हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन देन द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल. फिर हमने तीसरा पार्ट पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी का. याद करो विदाउट कंसिडरेशन इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 50,000 एंड if for inadequate consideration the difference exceed 50,000 the whole difference will be taxable. halaki gift received from certain person is not taxable. isme bhi amendment hai yaad ho to. gift received from relative on any occasion or not, gift received on the occasion of own marriage, gift received under a trust, will, inheritance in contemplation of death, gift received from local authority, gift received by holding any transfer by holding company to 100% subsidiary or 100% subsidiary to holding will not be liable to tax under 56.2.10. yes or no? अच्छा, इसके बाद याद करो हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था, डिविडेंड. क्या पढ़ा था मालिक, डिविडेंड. डिविडेंड फॉरेन कंपनी से, एक पूरा चार्ट याद करो, हमने पूरा चार्ट देखा है. फॉरेन कंपनी से आया हुआ डिविडेंड कंप्लीटली टैक्सेबल है. इंडियन कंपनी से आया हुआ डिविडेंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, नॉर्मल डिविडेंड, डीम डिविडेंड. डीम डिविडेंड के दो पार्ट, 222A, याद करो 222A टू 222D और दूसरा है 222E. 222E कंप्लीटली टैक्सेबल है, 30% प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस सेस. 222A से लेकर डी तक के ओवरऑल लिमिट्स के अंदर आता है. अगर साल भर में एक कंपनी या अनेक कंपनी से कितने मिले हो बेटा, 10 लाख. ये पूरे के पूरे एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034. अगर 10 लाख के ऊपर कुछ भी मिला है तो ये टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%. यस और नो?
याद करो हमने कुछ और भी पढ़ा था, 222 ए से लेकर डी तक के ये सब 10 लाख की लिमिट के अंदर आ जाता है, पर हमने 222 ई पढ़ा था. 222 ई इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इसी को कहा जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसी को कहा जाता है कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. अगर किसी भी व्यक्ति का कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है दैट इज 10% और मोर, या उसका किसी कंसर्न में इंटरेस्ट है 20% और मोर, ऐसी कंपनी या तो उस व्यक्ति को लोन दे या उस कंसर्न को लोन दे. द अमाउंट ऑफ लोन इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. यस और नो?